इस्ला फाउंडेशन के चेयरमैन शाहब खान हमारे स्टूडियो लाइव होके में तशरीफ लेकर आए हैं और आज हम उनसे कुछ चंद सवाल जवाब करते हैं और उनसे पूछते हैं इस्ला फाउंडेशन के बारे में। तो शाहब भाई, ये बताइए कि इस्ला फाउंडेशन की शुरुआत कब से की आपने? अब इस्ला फाउंडेशन को लगभग मुझे 2 साल करीब हो गए। 2 साल हो गए आपको जी। तो इस 2 साल के अंदर इस्ला फाउंडेशन ने क्या क्या किया? इस्ला फाउंडेशन साहब बनाने का मेरा ये मकसद था कि जब मैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में गया, बहुत सी जगहों पे देखा कि आज के जो हालात हैं, जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, कुछ लोग पढ़ाई से महरूम हैं, कुछ पैसे की वजह से कुछ लोग शादी में गरीब, अपनी बेटी भी शादी नहीं कर पा रहे, इस वजह से मैंने एक संस्था का विचार किया और फिर मैंने ये संस्था बनाई इस्ला फाउंडेशन नाम की। और इस संस्था के माध्यम से मैं काफ़ी काम किए मैंने सभी धर्मों के लिए, अस्पतालों में फल बांटना, जैसे कि सर्दियों में कम्बल बांटना, भूखों को खाना बांटना, मेरे यहाँ से एक वक्त का खाना रोज़ाना की शाम को बांटता है, और जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको एजुकेशन देना, फ्री कोचिंग क्लासेस लगवाना, ऐसे कई काम है मेरी संस्था के, जो महिलाओं को रोज़गार देना, इस तरीके से मेरी संस्था काफ़ी काम कर रही है आज तक। और अपनी जो संस्था है उसमें आगे और क्या करना चाहती है? जैसे अभी आपने देखा बहुत भूखे लोग हैं, बहुत बेचारे गरीब लोग हैं, कहीं कहीं खाना पहुँच नहीं पाता, कहीं कहीं लोग खाने नहीं खा पाते, कुछ बेचारे मायूसी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उन लोगों के लिए क्या सोच बनाए रखी है आपने और उन लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं आगे? अब उसके लिए काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी मुझे मदद है और मिलती रहे, मैं सोचता हूँ जितना बड़ा कारवां बनता जाएगा मेरा बढ़ता जाएगा, ऐसे मेरी उनके लिए यही सोच है कि कोई भी भूखा ना रहे, ना कोई प्यासा रहे, ना कोई अशिक्षित रहे, पढ़ाई से महरूम ना हो कोई, कोई भी गरीब बच्ची पैसे की वजह से ऐसा ना हो कि उनके माँ बाप शादी ना कर पाएँ, मेरा इस तरीके के विचार हैं और यही काम मेरी संस्था कर रही है, ये काम सभी धर्मों के लिए कर रहा हूँ मैं। ये जो शादी सम्मेलन होने जा रहा है जी जी, अभी हमारे सुनने में आया था कि जनवरी 6 तारीख को आप एक सम्मेलन बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, तो ये सम्मेलन का हमारे दिमाग में कैसा आया कि हमें इसकी शुरुआत करना चाहिए? लोगों को बहुत अच्छी बात है आप सम्मेलन का शुरुआत करने जा रहे हैं और मतलब एक तरफ से नेकी वाला काम है ये, और मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाब करे और आपके साथ जो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी मकसद में कामयाब करे। तो हमारे दिमाग में कैसी बात याद आएगी कि हम बच्चियों का निकाह करवाएं? अब जब आज मैंने जब संस्था शुरू करी, जब मैंने लगभग मुझे 2 साल हो गए, जब मैं काफ़ी काम करता गया तो मैंने आज के इस दौर में देखा जहाँ माहौल इतना ख़राब है, इख्तलाफ है, इंतशारात है, लोगों में जो माहौल बिगड़ा हुआ है कि कुछ जो सही घर के लोग हैं जिनकी बच्चियों की शादी अच्छी आती है, जहेज अच्छा दे देते हैं भरपूर, उनकी वजह से कुछ गरीब बच्चों की शादी नहीं हो पाती। तो मेरी संस्था ने मकसद ये बनाया कि इन गरीब बच्चों की शादी किसी भी तरीके से हो, तो इसके लिए मैं 6 जनवरी को मैंने फिर सम्मेलन का एक प्रोग्राम आयोजन किया, जिसमें मेरे इस सम्मेलन के प्रोग्राम के अंदर एक लाइव हो के भी मेरी इसमें सपोर्ट में और जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं और उनकी काफ़ी मदद मिल रही है मुझे भी, तो इस वजह से मेरे दिल में ये विचार है कि इन बच्चियों की शादी है, इसलिए मैंने इस निकाह का। तो शाह भाई, ये बताइए कि हम गरीब बच्चों की शादियाँ करने जा रहे हैं तो उसमें हमें कहीं से कहीं तक सरकार की तरफ से लाभ प्राप्त हो रहा है क्या? अब अभी तो कोई इस तरीके का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा और आगे ये है कि मुख्यमंत्री जो कन्यादान योजना है उसकी पहल करी है, उसकी कोशिश करेंगे कि बेटियों को उसका लाभ मिल जाए। अच्छा, ये बताइए शाह भाई, ये जो हम निकाह रख रहे हैं ये सभी धर्मों का रख रहे हैं या अभी मुस्लिम समाज का रख रहे हैं या हम आगे चल के रखेंगे को, या अभी हमने कुछ योजनाएं ऐसी बनाई हैं जनवरी में जो हम निकाह करने जा रहे हैं उसमें सभी धर्म के लोग हैं, या हम खाली अभी अपने धर्म का कर रहे हैं या आगे और हम जाके उन धर्मों को मिलाते हुए उनकी शादी विवाह करवाएंगे? अभी सब 6 जनवरी को तो मुस्लिम समाज का ही है, आगे पहल कर रहे हैं कि हम सभी धर्मों के लिए काम करें, और एक शर्मा समाज का है अभी हमारे जहन में था उसको मशवरा चल रहा है हमारा, तो उसके लिए हम योजना बनाएंगे आगे। और अभी आप आगे और कहाँ कहाँ सम्मेलन रखने जा रहे हैं? अभी देवास जिले में सोनगंज में 10 फरवरी को है। 10 फरवरी को है? 10 फरवरी को। और आगे?
अभी 24 मार्च तो एक मेरी यहाँ भोपाल में भी है अच्छा दोबारा से, और 29 मार्च को मेरे श्यामपुर में है। श्यामपुर में मतलब ये चार कार्यक्रम अभी आपके पास हैं। तो ये बताइए आप जहाँ से ये काम चालू कर रहे हैं, शुरुआत की है आपने, तो वहाँ के लोगों की सोच क्या बन रही है? वहाँ के लोग साहब बहुत ज़्यादा नहायत खुश हैं, और उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ हमारे यहाँ नहीं हुआ, जो कोई नहीं बड़ा ऐसे कामों के लिए, बहुत ज़्यादा खुश हैं वहाँ के लोग। काफ़ी लोग जुड़े भी हैं मुझसे वहाँ पे, इसला फाउंडेशन का मेरा ऑफिस भी है सोनगंज में, तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ महिलाओं को रोज़गार उपलब्ध कराया है मैंने, उस सम्मेलन को लेकर काफ़ी उत्सुकता है वहाँ के लोगों में। तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपके साथ कौन कौन लोग जुड़े हैं और कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? मेरा इसमें भोपाल जिले से तो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मेरी इस्लाम फाउंडेशन की पूरी टीम तो है भोपाल में, और काफ़ी जिलों में सक्रिय है मेरी टीम, श्यामपुर में है, सांची सलामतपुर में है, अपना शुजालपुर में लोग जुड़ने में है मेरे, और सोनकच्छ में है, इस तरह काफ़ी जिले मेरे अभी कम्प्लीट होते जा रहे हैं। अच्छा आगे और इस्लाम फाउंडेशन की क्या सोच है अली निका के अलावा, और क्या करना चाहती है गरीब लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए, उनके लिए क्या क्षमता बना के रखी है इस्लाम फाउंडेशन ने? इस्लाम फाउंडेशन की साहब ये सोच है अभी फ़िलहाल में कि हर मध्य प्रदेश के अंदर हर जहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहाँ बेरोज़गारी है, जहाँ पे भुखमरी है, इस तरीके से हर जगह को मजबूती देना और उनके लिए काम करना है, जिसके लिए काफ़ी वक्त मैंने विधायक से, सांसद से, सब लोगों से मिला, लेकिन अभी तक मुझे कोई मदद नहीं मिल पाई है। और अगर मुझे आने वाले टाइम में माननीय मुख्यमंत्री जो भी रहें, या विधायक जी हैं या सांसद जी हैं, इन लोगों की सपोर्ट मिलती है, तो मुझे इन चीज़ों को ख़त्म करना है, जो भुखमरी है और ये चीज़ें चल रही हैं, जो गरीब बच्चे शादी नहीं हो पा रही है, तो इन लोगों को उनके उद्धार में मुझे काम करना है इस संस्था को लेकर। लेकिन अभी जो मुख्यमंत्री योजना चल रही है वो तो ऑलरेडी सब जगह चल ही रही है, उससे कहीं आपको नुकसान या फ़ायदा? उससे फ़ायदा ही है, बहुत अच्छी योजना है वो, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ने इस योजना से काफ़ी वो बच्चियों की शादियां आसान कर दी जो बिल्कुल ही नहीं हो पाती, क्योंकि ये योजना मेरे सम्मेलन के अंदर भी कोशिश रहेगी कि सारी बच्चियों को मिले, सब जिलों में जहाँ यहाँ मेरा सम्मेलन है, सारी बच्चियों की कोशिश यही है कि ये सुविधा सबको मिले। अभी जो हमारा जनवरी में प्रोग्राम होने जा रहा है जी, और उस प्रोग्राम के अंदर हम कितने जोड़ों से शादी करा रहे हैं, करा रहे हैं? उसमें लगभग 75 जोड़ों का था मेरा, अभी लगभग कोई ऐसा कंप्लीट नहीं कितने जोड़ हो जाए, 50 हो जाए 60 हो जाए, लेकिन मेरा जो फाउंडेशन थी वो 75 जोड़ों की थी। मतलब ये आपका मानना है कि 30 भी हो जाए तो हम करेंगे और 40 भी हो जाए तो करेंगे हम, जी ऐसा मानना है, तो बहुत अच्छी बात है। तो और हमारा फाउंडेशन क्या सोच रखता है और गरीब लोगों के लिए आगे और क्या करना चाहिए हमें गरीब लोगों के लिए, उन मासूम बच्चों के लिए? तो हमारा फाउंडेशन तो बस यही सोच रखता है कि इन गरीबों की बस हर प्रकार की मदद हो, जो चीज़ उनको नहीं मिल पा रही, जो सरकारी योजना है या जो सरकारी लाभ है, जो भी नहीं मिल पा रहा, हमारी संस्था द्वारा इनको मिल जाए, हमारी संस्था इनके लिए मेहनत करे, सरकार से बात करके इनकी योजनाओं को दिलाए और इनकी काफ़ी मदद हो। देखिए ये इस्लाम फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, बहुत अच्छी छेड़ी है, और मैं और मेरी टीम पूरी इनसे दिल से दुआ करती है कि ये अल्लाह ताला इनको आगे बढ़ाए और इनके मकसद में इनको कामयाब करें, और जो लोग इनके साथ जुड़े उनको भी अल्लाह ताला आगे बढ़ाए। और आज के दौर के अंदर इतना बड़ा रिस्क, हालांकि देखा जाए तो ये रिस्क लेकर ही चल रहे हैं और रिस्क लेकर नहीं जा रहे हैं, इतना बड़ा रिस्क लेना बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, वो गरीब लोगों की लड़कियों की शादी कराना उससे बड़ा सवाब है। और मैं इनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज़ से इनको नवाजे और आगे बढ़ाए, क्योंकि ये बहुत नेक काम कर रहे हैं। और सारे लोगों से मेरी अपील है कि हमारे शाह भाई का इसमें योगदान दें और इनके लिए, इनको आगे बढ़ने के लिए इनका सहयोग करें और इनको मंजिल तक पहुंचाएं। ये एक शाह का ही काम नहीं है, ये शाह भाई का ही काम नहीं है, ये सारे लोगों का काम है। अगर इसको एक नज़र से देखा जाए तो कहीं की भी गई घर की बहू बेटी, वो हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारी बहन है, तो हम चाहते हैं कि सारे लोग मिलकर शाह भाई का इसमें योगदान करें और इनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें, यही मेरी सबसे अपील है। शाह भाई लाइव ओके के अंदर आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।